चारों आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया है तेलंगाना पुलिस ने सर, एक कैसा मैसेज जाएगा एक तो सर देश में इसका? देखिए मैं इसको पूरी तरह से पहले मैं इससे अवगत हो जाऊं, फीडबैक और अपडेट ले लूं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बता पाऊंगा। मैं पहले पूरी जानकारी लेता हूं। एनकाउंटर को क्या कहते हैं ये तो आप बता सकते हैं आप कि इनको एनकाउंटर हुआ है जो एक आरोपी भाग रहे थे और ये परिस्थिति क्यों बनी है पहले मैं खुद इससे अवगत हो जाऊं उसके बाद। जी सर कुछ भी इसको लेके अभी अपडेट्स आपके पास? पूरी तरह से मैं जानकारी ले लेने के बाद फिर आप लोगों को इसमें इससे जो मतलब क्यों हुआ है, क्या कारण है, ऐसी परिस्थिति क्यों बनी है, फिर मैं आप लोगों को बता पाऊंगा। सर मध्य प्रदेश में जिस तरह से ये रेप की घटना या गैंग रेप की घटनाएं होती है उसका फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से, क्योंकि अभी काफ़ी ऐसे केसेस हैं जिनका कोर्ट में न्यायालय में प्रकरण चल रहा है लेकिन अभी तक उसका निराकरण ही नहीं हो पा रहा है? नहीं, हम लोग इसमें लगे हैं, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व हम लोग लगे हैं कि जो भी इस तरह के जो दरिंदे हैं जो कानून को हाथ में लेने का जो काम करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और त्वरित कार्रवाई हो, इसके लिए हम लोगों को सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी का निर्देश हम लोगों को मिला हुआ और उसमें हम लगे हैं। हमारी कोशिश भी रहती कि घटनाएं ना घटें लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी अगर घट जाती है तो बहुत जल्द हम उन घटनाओं का पर्दाफाश भी करते हैं और दरिंदों को जेल के सिकंजों तक हम पहुंचाते भी हैं जिससे कि इस तरह की घटनाएं न घट सके और दरिंदों पे हमारा एक सरकार का एक खौफ और डर बन सके।